नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि अच्छा काम करने वाले किसानों को बढ़ावा मिले, उनके प्रोडक्ट के अच्छे रेट मिले और आपको शुद्ध चीजें मिले। और ये मुहिम हम निशुल्क चला रहे हैं, एक ड्राइव है ये शुद्धता का। मेरे साथ है राकेश जी। आज हम एक बार शहद के बारे में फिर से वो जानकारी आपको देंगे जो शायद आपको अब तक ना मिली हो। आपको बता दें, राय सिंह जी जैसे किसान जो शहद का उत्पादन करते हैं, ज्यादातर शहद ये होता है, मतलब ये 50-60% से ज्यादा शहद का उत्पादन ये होता है। बहुत कम शहद ऐसा अलग अलग फूलों के द्वारा जो मक्खियां बनाती है वो होता है, जैसे जांडी, बेरी, नीम, अकेशिया, अलग अलग फूलों पे जो मक्खियां बैठती हैं उस तरह का शहद तैयार होता है, बट सबसे ज्यादा है मस्टर्ड हनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लगभग 90% से ज़्यादा शहद एक्सपोर्ट हो जाता है। मैं आपको दिखाऊं, ज़्यादातर लोगों ने देखा नहीं होगा, ये बिल्कुल क्रीम की तरह दिखता है। सरसों के फूलों पर जब मक्खियाँ बैठकर ये शहद बनाती है तो व्हाइट होता है, बाद में धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता है, सर्दियों में जम जाता है। ये देखिए, ये इसमें कोई चीनी की मिलावट नहीं है। आप किसी भी जानकार से पूछेंगे, साइंटिस्ट से पूछेंगे, शहद असली शहद की प्रकृति जमना है यदि प्रोसेस ना किया गया हो तो। अब ये एक्सपोर्ट हो जाता है, ज़्यादातर इनमें से भी प्योर शहद एक्सपोर्ट हो जाता है। जो बचता है बहुत कम शहद, वो भारत की बड़ी ज़रूरत को पूरा करता है। पूरा करने के लिए मिलावट होती है सिरप की, और बहुत ज़्यादा नकली शहद या सिरप वाला शहद हम खाते हैं, ये कहना है राकेश जी का, क्योंकि पिछले कई सालों से शहद का उत्पादन कर रहे हैं। ये वीडियो इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जो इतनी मेहनत से शहद का उत्पादन कर रहे हैं लोग, उनका शहद रेट पूरे नहीं मिलते, बहुत कम रेट में उनसे खरीदा जाता है और बहुत अच्छे रेट पर एक्सपोर्ट होता है। इसके बाहर बहुत अच्छे रेट मिलते हैं पर वो किसानों को नहीं मिलते और आपको शुद्ध चीज़ें नहीं मिलती। तो ऐसे में पहले तो ये जान लीजिए राकेश जी से कि इसमें मिलावट क्या होती है जो मार्केट में शहद मिलता है, फिर आपको बताएंगे कि आपको शुद्ध शहद कैसे मिल सकता है और कौन सा शहद खाना चाहिए। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपने बताया कि बहुत सारा शहद तो बाहर चला जाता है, लगभग बिल्कुल, तो यहाँ बचता है, उसमें मिलावट है। क्या मिलावट है? उसमें सिरप की मिलावट होती है जी, उसमें 28 रुपए केजी की, कोई आप राइस सिरप कह लो, ब्राउन सिरप कह लो, ये बहुत प्रकार की सिरप है और जो इतनी बड़ी मार्केट है भारत की, ये पूर्ति होती है। तो इसमें आप लगभग 28 रुपए किलो की सिरप मिला देते हैं जो लिक्विड ही रहेगी और एक ही कलर की रहेगी। जो असली शहद है क्यों नहीं मिलता आपको, कि ये ज्यादातर तो एक्सपोर्ट हो गया, बहुत ऊंचे दाम मिल जाते हैं कंपनी को, और फिर इसका सिरप मिला के जो किसी को पता ही नहीं चलता। हमारे भारत देश में एक ही कलर जानते हैं कि रेड कलर का शहद होता है, ये एक ही कलर मिलेगा आपको, और शहद के 500 प्रकार के कलर होते हैं। तो वो बड़े मुनाफे के चक्कर में वहाँ एक्सपोर्ट करने के बाद में और इसमें सिरप मिला के हमें दे दिया जाता है, ना ही तो हमें शहद की गुणवत्ता का पता है, ना ही ये पता है क्यों खाना चाहिए, और ना ही ये पता है कि इसमें मिलावट क्या है, क्योंकि पता ही नहीं चलता। जब भी आप मार्केट से शहद लेके आओगे, वो आप ये मान के चलो 90% मिलावट है, और आजकल ऐसी सिरप और ऐसी मिलावट है कि लैब भी नहीं पकड़ पाती उसको। अगर आपको शुद्ध चीज लेनी है, शुद्ध शहद खाना है, तो आप सीधा किसान से जुड़िए। मेरी यही प्रार्थना है कि आप किसानों से सीधा जुड़े, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें। दोस्तों, जैसा राकेश जी ने बताया कि मार्केट में जो शहद ज्यादातर मिलता है उसमें सिरप की मिलावट आती है, क्योंकि असली शहद तो ज्यादातर बाहर चला गया और सिरप और कुछ शहद को मिला देते हैं तो पता ही नहीं चलता कि वो शहद है ये सिरप है। और आजकल तो लैब भी बहुत कम पकड़ पाती है कि सिरप उसमें मिला है कि नहीं मिला है। पोलन काउंट का थोड़ा सा आइडिया रहता है और पोलन काउंट की लिमिट है वो घटा दी गई है, तो ऐसे में शुद्धता मिलनी अब कठिन हो गई शहद में। और शहद का जिक्र आयुर्वेद में है, बेहद गुणकारी है, 1 चम्मच सुबह शाम लेने की रिकमेंडेशन दी जाती है, दवाइयों में यूज होता है, पर होना चाहिए शुद्ध। अब आते हैं मुहिम की बात पर कि आपको कैसे शुद्ध शहद मिले। तो ऐसे किसानों से आपको शुद्ध शहद मिलेगा, ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के शेरपुरा गाँव के रहने वाले हैं। ऐसे बहुत से किसानों की वीडियो हमने पहले दिखाए हैं, नंबर हमने दिया हुआ है, आप सीधे बात कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं, कोरियर मंगवा सकते हैं, क्योंकि किसान से जो शहद मिलेगा आपको मार्केट वाले शहद से कहीं बेहतर मिलेगा। और अच्छा रेट जब मिलता है तो किसान क्वालिटी भी बढ़ाता है, क्योंकि जब कंपनी कम रेट देती है तो ये क्वालिटी के भी उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं, क्योंकि सीधा कस्टमर जुड़ा हुआ है तो फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसा ही है? बिल्कुल जी, ऐसा ही आपको हमने बताया था पहले भी, हमने नई बाल्टियाँ लेके रखी हैं और वो सीधा कस्टमर को देने के लिए, और जब कंपनियां देती हैं तो रेट नहीं देती वो, ना ये देखती गधा घोड़ा बराबर लेती हैं कि भी जैसे कैसा भी हो, बाल्टी धुली हो या नहीं हो, तो वो क्या है जैसा है उसी एक ही रेट में उठा लेती हैं, फिल्टर किया है नहीं किया है, हम तो रो नहीं देते हैं और कपड़े से फिल्टर करते हैं जो एंड यूजर को देते हैं। और जब कंपनी लेके जाती है तो वो तो बाल्टी खोल के भी नहीं देखती, रेट नहीं देती तो वो बाल्टी भी नहीं खोलती जी। तो जैसा बताया कि जब कंपनी रेट नहीं देती है तो क्वालिटी का भी फिर ध्यान इतना नहीं रहता, पर कस्टमर सीधा जुड़ता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक चीज और इसमें आपको ऐड कर दें कि शहद हमेशा सबसे बढ़िया रॉ हनी होता है। रॉ हनी का मतलब कच्चा शहद नहीं, रॉ हनी का मतलब जो प्रोसेस नहीं किया हुआ है, जो फिल्टर नहीं है, प्रोसेस नहीं है,
ये शहद को सिर्फ कपड़े से छान कर अगर पैक किया जाए तो उससे बेहतरीन शहद नहीं होगा। पूरा पका हुआ होना चाहिए, उसके बाद कपड़े से छाना हुआ होना चाहिए, गर्म नहीं किया होना चाहिए। वो शहद खाएंगे तो नेचुरली आपको उसमें फ़र्क नज़र आएगा। और ऐसा ही शहद तैयार करते हैं राकेश सिंह जैसे किसान। तो शुद्ध शहद लीजिए, सीधे किसानों से लीजिए। और आपको बता दें, ये हम मार्केटिंग जो करते हैं किसानों की, निःशुल्क करते हैं, किसी किसान से कोई पैसा नहीं लेते। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये मुहिम का हिस्सा बनिए। और बहुत आपका प्यार मिल रहा है, ये सपोर्ट मिल रही है, और इस मुहिम को हमें और आगे बढ़ाना है, इसलिए जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।